हमने ऐसा नहीं सुना, बोला चौधरी छोटूराम कहते थे दुश्मन पहचान ले और बोलना सीख ले। हर आदमी अपने भाषण में उसको मेंशन करता, ना तो वो नेता सीखा उस बात को और ना आप लोगों ने सीखी वो बात। कोई बहका लो, हम चौधरी चरण सिंह के साथ थे, चौधरी देवलाल भी हमारे उसी में थे। मैं पॉलिटिकल तो देवलाल जी के साथ नहीं रहा, वहीं रहा उनके साथ। तो बैठ जाते थे, चौधरी देवलाल कहते थे, बोला भाई अपने वालों को समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। अगर समझाने का प्रयास करोगे तो सारा दिमाग खराब कर देंगे, बहका लो दर्द ही काबू आ जाए। तो ये प्रवृत्ति आज भी मैं वहीं देखता हूं। यहां बहुत ऐसे लोग आते हैं जो किसी स्लोगन के साथ आके घुस जाते हैं और आप उसके पीछे लग जाते हो, कुछ नहीं देखते, फिर आगा पीछा कुछ नहीं देखते। बहकाने वाला चाहिए। इस मोदी ने क्या किया, क्या किया इस मोदी ने बताओ, इसका एक काम तो बता दो ना, सिवाय बहकाने के कुछ किया। ये बोला ये नहीं रहेगा तो हिंदू नहीं रहेंगे, जब औरंगजेब था तो ये मोदी बचा रहा था हमको। हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने औरंगजेब को नाथ डाल दी थी, वो गोखला था जिसने औरंगजेब की फौज को पीटा था, जिसने जम के लड़ा था, वो इतिहास हमारा ही है। औरंगजेब से जालिम तो नहीं हुआ कोई, अब तो हम डेमोक्रेसी में। 135 करोड़ का देश, 100 करोड़ से ऊपर हमारी जनसंख्या और 20 करोड़ में हम कह रहे हैं, बोला अगर मोदी नहीं हुआ तो ये हमने मुसलमान बना देंगे, फिर मरे जाओ मरना तुम्हें। अगर 100 करोड़ में 20 करोड़ पे पिटना है तो फिर जिंदा रहने का हक कहां है आपको? कोई खतरा किसी को नहीं। मैं मुजफ्फरनगर में आप में से कोई था जिस दिन दंगा हुआ, जिस दिन दंगा हुआ लंगड़े में पंचायत हुई, कोई था?